हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रेस्टिफाइड इंडिया ओनली 100 परसेंट ब्लैंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और आज के वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का लैब टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट आपको बताएंगे उसका जो है डिटेल्ड टेस्टिंग हमने एक साल पहले कराया था जो कि है एज इट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट देखिए फिर से रिपीट करूंगा जो हर छः महीने वाली रीटेस्टिंग होती है जिसमें हम सिर्फ मेन मेन पैरामीटर्स को वापस से रीटेस्ट करते हैं जैसे कि प्रोटीन एक्यूरेसी अमीनो एसिड प्रोफाइल हैवी मेटल उसके वीडियोस हम नहीं बनाएंगे उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको ट्रस्टिफाइड डॉट इन पर जाके ही देखनी पड़ेगी हम जो वीडियोस बनाएंगे वो एक साल बाद जब प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन एक्सपायर होने वाला होगा तब हम उसके डिटेल वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम सिक्स लेवल ऑफ टेस्टिंग को टेस्ट करके आपको ये बताएंगे कि क्या वो प्रोडक्ट स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है या फिर वो प्रोडक्ट फेल हो गया है तो इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग को कवर करने के लिए हमने इसे ब्लाइंड ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और फ्लिपकार्ट से हमने इसके 780 एट्टी ग्राम्स के दो पाउचेस ये एक पाउच 780 एट्टी ग्राम्स का है ऐसे दो पाउचेस हमने फ़्लिपकार्ट से एक ही अनोनीमस आई का इस्तेमाल करके ऑर्डर कर लिया एक ही अनोनीमस आई का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि फ्लिपकार्ट हमने ब्रांड को सेलर ना चूज़ करके सुपरकॉम नेट को सेलर चूज़ किया सुपरकॉम नेट यानी कि आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली मंगा रहे हैं तो क्योंकि हमने इसे ब्रांड से नहीं मंगवाया है इसलिए हमने एक ही अनोनीमस आईडी से जो है इसके दो पाउचेस मंगवा लिए ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग आ, देख सकते हैं अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जो बेसिकली ये दिखाता है कि जो एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है वो लेबोरेटरी में चला जाता है टेस्टिंग के लिए और एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम अपने पास रखते हैं तो ट्रस्टिफाइड हमेशा से 100% परसेंट ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है 100% परसेंट ब्लाइंड ऑर्डर करता है अगर आप हमारे ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस को चैलेंज करना चाहते हैं और आप हमें गलत साबित करेंगे तो हम आपको एक साल का सप्लीमेंट स्टैक ऐप फ्री देंगे तो चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं और कुतली कवर करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का ही इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये रॉ वे है इसलिए इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से ही आपको 80 परसेंट प्रोटीन यानी कि पर स्कूप आपको 24 फोर ग्राम्स प्रोटीन ऑफर किया गया है जब हमने इसके लेवल वन की टेस्टिंग कराई तो कंपनी अपने एक स्कूप यानी कि 30 ग्राम्स के एक स्कूप में प्रोटीन क्लेम करती है 24 फोर ग्राम्स और हमारे लैप टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 24.3 फोर ग्राम्स पर सर्विंग कार्बोहाइड्रेट कंपनी क्लेम करती है टू ग्राम पर सर्विंग जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है थ्री पॉइंट पर सर्विंग एडेड शुगर कंपनी क्लेम करती है जीरो ग्राम जिसे हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट जस्टिफाई करती है फैट्स कंपनी क्लेम करती है 1.5 पॉइंट फाइव ग्राम्स पर सर्विंग जो कि हमारे लैपटॉप रिपोर्ट में पाया गया है 1.04 पर सर्विंग तो क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लेवल वन के टेस्टिंग को पास करता है इसलिए हम लेवल टू टेस्टिंग में देखते हैं कि कहीं इस प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइक तो नहीं किया गया है तो लेवल टू टेस्टिंग के रिजल्ट आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसमें कोई भी साइन अमीनो स्पाइकिंग का नहीं पाया गया है लेवल थ्री टेस्टिंग में जब हमने मेलामाइन माइन स्पाइकिंग टेस्ट की तो मेलामाइन इसमें बिलो एल पाया गया है लेवल फोर टेस्टिंग में सारे हैवी मेटल्स जो हमने टेस्ट कराए थे वो भी बिलो एल पाए गए हैं लेवल फाइव टेस्टिंग में जब हमने एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग कराई तो सारे एफ्लाटोक्सिस एफ्लाटॉक्सिस एम वन बी वन बी टू जी वन जी टू सभी बिलो एल ओ क्यू पाए गए हैं और लेवल सिक्स यानी कि लास्ट टेस्टिंग में जब हमने खूब सारे पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई तो इसमें सारे पेस्टिसाइड्स या फिर नॉट डिटेक्टेड पाए गए हैं या फिर बिलो एल ओ क्यू पाए गए हैं जो भी पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए हैं जो चार पेस्टिसाइड्स इसमें डिटेक्ट हुए भी हैं वो सेफ लिमिट के अंदर है आप लोगों को हमारे स्क्रीन पर सर्कल्स दिख रहे होंगे कि उन पेस्टिसाइड्स की सेफ लिमिट कितनी है और वो पेस्टिसाइड्स पाए कितने गए हैं तो क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारी सारी सिक्स लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ और क्योंकि ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को तो कवर करेंगे देखिए सर्विंग साइज एक्यूरेसी मिक्सेबिलिटी और टेस्ट को हम इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये एक रॉ वे है और इसके रॉ वे की सर्विंग साइज एक्यूरेसी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टिपिकली हम क्या करते हैं जब भी हम एक साल बाद टेस्टिंग कराते हैं तो हम एक नए फ्लेवर की टेस्टिंग कराते हैं पर क्योंकि एक रॉ वे है फ्लेवर्ड वे तो है नहीं तो कोई नए फ्लेवर की तो टेस्टिंग करा नहीं रहे हैं रॉ वे की टेस्टिंग करा रहे हैं इसलिए सर्विंग साइज एक्यूरेसी मिक्सिबिलिटी और टेस्ट को हम स्किप कर रहे हैं हम सीधे जंप करेंगे और कवर करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे no. में तो पॉजिटिव नंबर वन इसने हमारी सारी छः लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है इसलिए स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ पॉजिटिव नंबर टू ये एक अफोर्डेबल बजट अनफ्लेवर्ड वे है अब हम बात करते हैं नेगेटिव की तो उसका एक नेगेटिव मैं बोलूँगा कि एज इट इज कभी भी अपने वे प्रोटीन में लेसीथिन डिस्क्लोज़ नहीं करता कौन सा लेसीथिन इसमें डाला गया है मिक्सबिलिटी के लिए सोए लेसिथिन सनफ्लावर लेसिथिन आई थिंक वो डिस्क्लोज करना चाहिए आप देखेंगे मार्केट में जितने भी रॉ वे मिलते हैं मैक्सिमम लोग ये डिस्क्लोज करते हैं इनफैक्ट फ्लेवर्ड में भी डिस्क्लोज करते हैं तो इन्ग्रीडियंट्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो लेसिथिन है वो भी आपको डिस्क्लोज करना चाहिए और वो कंपनी डिस्क्लोज़ अभी भी नहीं करती है तो उस पार्ट को मैं नेगेटिव बोलूंगा तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट टेस्ट इस प्रोडक्ट के बारे में और अगर आपको इसकी रिपोर्ट समरी देखनी है तो आप 24 फोर आवर्स के बाद फर्स्टी डॉट इन वेबसाइट पर जाके पासवेल्टैप के अंदर इसकी रिपोर्ट समरी देख सकते हैं और हमें गैस प्लीज़ आप सपोर्ट करें हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए कोई भी सप्लीमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसे हमारी वेबसाइट शॉप डॉट डॉट इन या फिर हमारे एप्लीकेशन trustified से ही ले और एट द एंड गैस वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ इफ योर सप्लीमेंट इज़ नॉट ट्रस्टिफाइड दैन इट्स नॉट सर्टिफाइड चू सेफ बी सेफ थैंक यू